हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एडवाटिक्स माई सेल्फ रिशभ गर्ग आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर आई डिड बी टेक फ्रॉम आई आई टी रुडकी देन आई हैव मेंटर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जेई मेन्स एंड जेई एडवांस सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फंक्शंस तो बच्चों फंक्शंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर इलेवंथ एज वेल एज फॉर ट्वेल्थ वाई इट इज़ सो इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लस टू मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें प्लस टू मैथमेटिक्स में कैलकुलस इज द मेजर पार्ट कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटेग्रल कैलकुलस बोथ आर बेस्ड ऑन फंक्शंस और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चों अगर हम देखें तो फंक्शंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जैसे कि देखो तो फंक्शंस में जैसे ऑटोमेटिक गियर्ड कार्स हैं तो ऑटोमेटिक गियर्ड कार्स में होता क्या है कि जैसे जैसे हम कार की स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली गियर चेंज हो जाता है तो उसके अंदर एक ऐसा मकैनिज्म सेट कर दिया जाता है कि जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे गियर चेंज होगा राइट तो ऑटोमेटिक गियर कार्स जो है वो एक तरीके से हमने एक फंक्शन बना दिया कार स्पीड का गियर के साथ तो उसके अकॉर्डिंगली चीजें ऑपरेट होंगी ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम फंक्शंस को यूज करते हैं

जैसे मान लो आपने इस फंक्शन में इनपुट डाली वन आउटपुट क्या मिलेगी वन अगर हमने इस फंक्शन में इनपुट डाली टू आउटपुट मिलेगी एट अगर हमने इस फंक्शन में इनपुट डाली हाफ ठीक है आउटपुट मिलेगी वन बाय टू का क्यूब दैट इज वन बाय एट राइट ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स तो इस फंक्शन को अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है फर्स्ट डेफिनेशन से अगर हम इसको वन इनपुट देंगे तो ये हमें आउटपुट क्या देगा वन बाय वन दैट इज वन अगर हम इस फंक्शन को इनपुट देंगे टू तो यह में आउटपुट क्या देगा वन बाई टू दैट इज पॉइंट फाइव अगर हम इस फंक्शन को इनपुट देंगे हाफ तो हमें क्या आउटपुट देगा वन बाय वन बाय हाफ दैट इज टू राइट तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कुछ इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये आउटपुट जनरेट कर रहा है एक और एग्जांपल लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स तो बताओ बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लेट्स सपोज हम इसमें वन इनपुट लेते हैं तो टू की पावर वन इज टू अगर हम इसमें टू इनपुट लेते हैं तो टू की पावर टू इज फोर अगर हम इसमें थ्री इनपुट लेते हैं तो टू की पार थ्री इज एट ओके तो हर फंक्शन की एक डेफिनेशन है हम अपने अकॉर्डिंग उसमें इनपुट डाल रहे हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल रही है ठीक है तो एक हमने ऐसी मशीन बना दी एक ऐसा रूल डिफाइन कर दिया कि हमने उसको कुछ इनपुट दी उसने हमें आउटपुट दे दी एज पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ठीक है तो ये है बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शन ठीक है हर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होगी उसको हम कुछ इनपुट देंगे वो हमें उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करके देगा तो इस फंक्शन को मैथमेटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि व्हाट इज ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस ठीक है तो बच्चों इसको हम रिलेट करते हैं आपके पास घरों में एक लाइव एग्जांपल है आपके पास मिक्सर राइट right? तो मिक्सर में हम कुछ डालते हैं इनपुट और वो हमें उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करता है राइट लेट्स सपोज आपने इसको इनपुट दी मैंगो प्लस मिल्क इट विल गिव अस द आउटपुट मैंगोशेक तो अगर हमने इसको कुछ इनपुट दी तो यह हमें आउटपुट दे देगा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने मैंगो दिया और मिल्क दिया और आपको बनाना शेक भी मिल गया और मैंगो शेक भी मिल गया दैट्स नॉट पॉसिबल तो एक इनपुट पे हमें एक ही आउटपुट मिलती है ये क्लियर है एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलती है अब मान लो आपने इनपुट दे दिया इसको स्टोन्स पत्थर के टुकड़े आपने इसमें इनपुट डाल दिए हो सकता है जो ग्राइंडर हो या जो मिक्सर है वो खुद ही टूट जाए तो उसका मैकेनिज्म स्टोन्स को ग्राइंड करने के लिए बना ही नहीं है तो इनपुट जो है दैट शुड बी वैलिड तो देयर शुड बी वैलिड इनपुट टू दी फंक्शन फंक्शन में आप एक वैलिड इनपुट डालोगे वैलिड इनपुट डालने के बाद आपको एक आउटपुट मिलेगी और हर वैलिड इनपुट पे आउटपुट मिलेगी तो मिक्सर की एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हुए हमने इसमें से दो चीजें सीखी एक तो इनपुट शुड बी वैलिड एंड फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी आंसर एंड देयर शुड बी ओनली वन आंसर तो अगर हम अपने ए सेट को ए सेट को इनपुट सेट बोल दें दिस इज इनपुट सेट राइट ये इनपुट का सेट है आप ये ये वैल्यूज फंक्शन में डाल रहे हो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल रही है बच्चों तो ध्यान से देख सकते हो अ फंक्शन इज अ रूल बाय विच बाय एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए के इनपुट के हर एलिमेंट पे इनपुट के हर एलिमेंट पे आंसर मिलना चाहिए आउटपुट मिलनी चाहिए और वो जो आउटपुट है वो कितनी आउटपुट होंगी वो एक ही आउटपुट होगी राइट right? हर इनपुट पे आंसर मिलना चाहिए और आउटपुट कितनी मिलनी चाहिए एक इनपुट पे एक आउटपुट ओके okay? तो ये भी एक फंक्शनल मैपिंग दिखाई हुई है बच्चों तो आपने इलेवंथ मैथ्स में भी ये डिस्कस किए होंगे ऐसी फंक्शनल मैपिंग्स, तो अगर हमारा फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है और उसकी डेफिनेशन एफ है तो बताओ एफ के अंदर जब हमने वन डाला तो हमारे आंसर क्या आया एफ वन का आंसर आया जीरो एफ थ्री का आंसर आया फाइव एफ फोर का आंसर आया सेवन एफ सिक्स का आंसर आया टू ओके okay? इस चीज को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स बोला हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन फाइव ओके तो एक्स को नेचुरल नंबर भी होना है फाइव से छोटा भी होना है तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर्स हैं जो फाइव से छोटे हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नेचुरल नंबर्स हैं ऐसे तो एक्स की वैल्यू वन हो सकती है टू हो सकती है थ्री हो सकती है फोर हो सकती है फाइव हो सकती है और हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू तो अगर हम इस फंक्शन में वन डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा देख सकते हैं हम इसको एफ वन इक्वल टू वन प्लस टू दैट इज थ्री ठीक है एफ टू इक्वल टू जब हमने इसमें टू इनपुट डाली तो हमें आंसर क्या मिला टू प्लस टू दैट इज फोर जब हमने इसमें थ्री इनपुट डाली तो आंसर क्या मिला थ्री प्लस टू दैट इज फाइव जब हमने इसमें फोर इनपुट डाली तो आंसर क्या मिला फोर प्लस टू सिक्स ओके जब हमने इसमें फाइव डाला तो हमें आउटपुट क्या मिली फाइव प्लस टू दैट इज सेवन तो वन का आंसर वन का आंसर थ्री है टू का आंसर फोर है थ्री का आंसर फाइव है फोर का आंसर सिक्स है फाइव का आंसर सेवन है तो हम इसको ऐसे मैप करके भी दिखा सकते हैं राइट right? तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये क्लियर हो गया कि इनपुट क्वेश्चन में दी जा सकती है या अपने अपने अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो वैलिड इनपुट और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट होगी एंड दैट आउटपुट कैन वेरी और वो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जैसे यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है x प्लस टू तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट्स डिफरेंट डिफरेंट आ गई ओके okay? तो बच्चों अब हमें समझना है अभी अभी हम फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करके हटे हैं एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस कि हमारे पास सेट ए का हर एलिमेंट का आंसर आना चाहिए और कितने आंसर आने चाहिए सिर्फ एक आंसर आना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ध्यान से डेफिनेशन को देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एवरी वाई एवरी क्योंकि हर वैलिड इनपुट का आउटपुट आना चाहिए ही चाहिए और कितने आउटपुट आने चाहिए एक आउटपुट आना चाहिए दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो बच्चों आप बताओगे मेरे को कि जो मैंने यहां पे फंक्शनल मैपिंग्स दिखाई हैं क्या ये मैपिंग्स फंक्शनल है या नहीं है तो ये बताना है जैसे कि हम फर्स्ट केस को देखते हैं फर्स्ट केस में क्या हो रहा है एक्स वन का आंसर वाई टू एक्स टू का आंसर वाई थ्री एक्स थ्री का वाई फोर एक्स फोर का वाई वन जितनी भी इनपुट है सबका आंसर आ रहा है और कितने आंसर आ रहे हैं हर इनपुट का एक एक आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ये एक फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन राइट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है एक्स वन का आंसर वाई टू आ रहा है एक्स फोर का आंसर भी वाई टू आ रहा है एक्स टू का वाई थ्री आ रहा है और एक्स थ्री का वाई फोर आ रहा है हमारी फंक्शन की कितनी कंडीशन थी दो कंडीशन थी क्या क्या थी दो कंडीशन एक तो हर इनपुट पे आउटपुट मिलनी चाहिए और हर इनपुट पे कितनी आउटपुट मिलनी चाहिए हर इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट मिलनी चाहिए राइट तो हम देख सकते हैं हर इनपुट पे एक आउटपुट है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि y2 x1 का भी आंसर है और x4 का भी आंसर है ये तो हो सकता है y2 दो दो वैल्यूज का आंसर तो हो ही सकता है राइट तो दिस दैट्स वाई ये भी एक फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ओके केस थ्री देखते हैं केस थ्री बताओ बच्चों फंक्शन है या नहीं है केस थ्री बताओ इज दिस अ फंक्शनल मैपिंग और नॉट तो केस थ्री इज नॉट अ फंक्शन वाई वाई नॉट अ फंक्शन बिकॉज एक्स फोर का आंसर ही नहीं आ रहा हमने तो पढ़ा था हर इनपुट का आंसर आना चाहिए यहां पे x4 तो किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है इसका मतलब x4 का आंसर ही नहीं आ रहा सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन ये फंक्शन नहीं है अभी हम पढ़ेंगे अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद अच्छा फिर देखते हैं केस फोर तो बताओ बच्चों केस फोर इज अ फंक्शन और रिलेशन। केस फोर इज अ फंक्शन और रिलेशन। केस फोर यस दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन दो कमियां हैं इसमें जिसके कारण ये फंक्शन नहीं है पहली कमी क्या है पहली कमी तो यह है कि एक्स फोर का आंसर ही नहीं आ रहा एक्स फोर का कुछ आंसर ही नहीं है एक्स फोर का आंसर तो होना चाहिए अगर आपने इसको इनपुट वाले सेट में रखा है पहली कमी सेकेंड थिंग हमने पढ़ा था कि अगर आप कुछ भी इनपुट देते हो तो आउटपुट एक मिलेगी यह नहीं हो सकता कि एक्स थ्री पे आपको दो आउटपुट मिल रही है वाई वन भी और वाई फोर भी सो दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन ठीक है तो इनमें से दो मैपिंग्स फंक्शनल मैपिंग्स हैं और दो मैपिंग्स फंक्शनल मैपिंग्स नहीं है तो बच्चों सबको क्लियर है सबको क्लियर है ये तो आगे बढ़ते हैं अभी हमने समझा कि कोई मैपिंग फंक्शनल होती है या नहीं होती वो किस पे डिपेंड करता है वो देखा है हमने है ना कि कोई मैपिंग फंक्शनल है या नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशन पढ़ी हमने क्या कंडीशन पढ़ी एक तो जितने भी इनपुट के एलिमेंट्स हैं वो सबका आंसर होना चाहिए राइट right? और सबके आंसर एक होना चाहिए X3 में प्रॉब्लम है, दो आंसर आ रहे हैं। दो आंसर तो नहीं आ सकते किसी इनपुट पे एक इनपुट पे तो एक ही आंसर आएगा तो इसके साथ ये दो कमियां हैं जिसके कारण ये फंक्शन नहीं है ऐसी इसके साथ एक कमी है वट इज दैट वन प्रॉब्लम विद दिस मैपिंग एक्स फोर ज नो आंसर इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन एज वी हैव स्टडी देर शुड बी आउटपुट फॉर एवरी वैलिड इनपुट ओके तो आगे बढ़ते हैं हमें समझ में आया किस दिस इज अ फंक्शन बट ये दो तो मैपिंग जो है अभी समझ नहीं आई कि अगर ये फंक्शन नहीं है देन तो और क्या है ये ये किसकी मैपिंग्स हैं अगर ये फंक्शन की नहीं है तो? तो उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो उसको समझने के लिए बच्चों हमें एक नई टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना पड़ेगा दैट इज कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी तो अभी बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी ओके तो इसको समझने के लिए बच्चों हम एक सी एग्जाम्पल लेते हैं दो सेट्स लेते हैं ठीक है वन टू थ्री ए सेट ले लिया और बी सेट ले लिया सिक्स एट हमने दो सेट्स ले लिए बेटा ए एंड बी ओके तो बच्चों अब देखो ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं हमें A B निकालना है तो ए क्रॉस बी क्या होता है ए क्रॉस बी एक सेट होता है किसका ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का जिसमें कि आप फर्स्ट एलिमेंट ए कॉमा बी फर्स्ट एलिमेंट आप फर्स्ट सेट से लेते हो सेकंड एलिमेंट आप सेकंड सेट से लेते हो तो इसमें ए क्रॉस बी में कैसे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वन के साथ आपने ले लिया सिक्स वन के साथ आपने ले लिया एट टू के साथ ले लिया सिक्स टू के साथ ले लिया एट या फिर आपने थ्री के साथ ले लिया सिक्स या फिर आपने थ्री के साथ ले लिया एट ठीक है तो आर दी सिक्स एलिमेंट इन दी सेट ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी या कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी निकालना बहुत इजी काम है हमें जस्ट क्या करना है ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं जिसमें कि ए विल ए विल कम फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड बी विल कम फ्रॉम सेकेंड सेट तो ऐसे जितने भी ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो सारे हमारे क्या बन जाएंगे ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स बन जाएंगे ओके बच्चों सो दिस इज क्लियर टू एवरी तो आगे बढ़ते हैं अभी हमें समझ में आ गया कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी अभी हम समझने जा रहे हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन वॉट इज रिलेशन तो ए क्रॉस बी हमारे पास अभी क्या आया था ये सिक्स एलिमेंट्स आए थे ए क्रॉस बी में तो अगर हम इसका कोई सबसेट ले लें एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन ठीक है कोई एक सबसेट लेके देखते हैं कोई एक सबसेट लेके देखते हैं कोई भी सबसेट ले लो सबसेट का मतलब क्या होता है यू कैन आइदर टेक सम ऑफ द एलिमेंट्स और यू कैन टेक ऑल ऑफ द एलिमेंट्स और यू कैन टेक नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट ओके तो अगर मैं सबसेट लेना चाहता हूं आई कैन टेक एनी नंबर ऑफ एलिमेंट एज आई वॉन्ट मान लो मैं वन सिक्स ले लेता हूं और थ्री एट ले लेता हूं थ्री एट तो ये मेरा एक रिलेशन है ये जो रिलेशन है रजे बच्चों बताओ ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है इस चीज को समझने जा रहे हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो एलिमेंट में वन टू थ्री था हमारे पास ए एलिमेंट में क्या था वन टू थ्री ए सेट में वन टू थ्री और बी सेट में क्या है सिक्स एट तो हमारे पास जो हमने रिलेशन लिया हमारे पास सिर्फ वन सिक्स के साथ अटैच है और थ्री एट के साथ अटैच्ड है इज दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन नो दिस इज नॉट अ फंक्शन वाई नॉट बिकॉज टू का आंसर ही नहीं आया टू का आंसर ही नहीं आया तो हाउ कैन वी सेट अ फंक्शन नो दिस इज ओनली रिलेशन ठीक है तो ऐसा करते हैं एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कोई और सबसेट लेके देखते हैं क्या लोगे और सबसेट क्या लोगे वन सिक्स टू एट थ्री सिक्स ठीक है वन सिक्स टू एट थ्री सिक्स ये तीन एलिमेंट्स ले लिए हमने ए क्रॉस बी में से ठीक है इसको देखते हैं मैप करके इसको मैप करके देखते हैं क्या बन रहा है वन टू थ्री सिक्स एट राइट वन इज कनेक्टेड विद सिक्स एंड टू इज कनेक्टेड विद एट एंड थ्री इज कनेक्टेड विद सिक्स सो इज इज अ फंक्शन यस दिस इज अ फंक्शन फंक्शन की क्या क्या क्राइटेरिया होता है किसी मैपिंग को फंक्शन बोलने का एक तो हर इनपुट का आंसर आना चाहिए दूसरी बात हर इनपुट का एक आंसर आना चाहिए तो हम देख सकते हैं हर इनपुट का एक आंसर आ रहा है एक आउटपुट मल्टीपल मल्टीपल इनपुट्स का आंसर हो सकती है बट एक इनपुट का आउटपुट तो एक ही होना चाहिए इज इट क्लियर टू एवरी वन समझ आ गया बच्चों कि कोई भी किसी भी मैपिंग को फंक्शनल कब बोलेंगे और रिलेशन कब बोलेंगे तो रिलेशन तो आप कुछ भी ले लो एवरीथिंग इज अ रिलेशन बट फंक्शन वो सिर्फ तब होगा जब वो इन कंडीशंस को पर्टिकुलरली सेटिस्फाई करेगा सो कैन वी से दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन ओके तो आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा कि ये दोनों के दोनों रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है नॉट अ फंक्शन है ना दिस इज फंक्शन ये एक फंक्शन भी है जबकि दोनों के दोनों रिलेशन थे ये फंक्शन नहीं है बट ये फंक्शन है तो क्लियर है बच्चों हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन समझ आ गया सब बच्चों को तो बेटा अब इस चीज को और बेटर वे में समझने के लिए फंक्शंस एंड रिलेशंस को और बेटर वे में समझने के लिए हमने कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स ली हैं राइट right? तो अगर हम किसी भी किसी भी कव का ग्राफ प्लॉट कर दें वहां से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास गिवन कव फंक्शनल कव है या रिलेशन है कैसे वो चीज समझते हैं तो बच्चों अगर आप वाइस को इक्वल टू एक्स को प्लॉट करोगे तो ऑलरेडी आपने प्लस वन में चैप्टर किया हुआ है पैराबोला तो उस पैराबोला चैप्टर में आपने इस कर्व को प्लॉट किया हुआ है तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा राइट right? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा तो इसके ग्राफ में अब बताओ आप दिस इज योर दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट तो इज दिस फंक्शन और अ रिलेशन इज दिस अ फंक्शन और अ रिलेशन ओके okay? तो उसके लिए बच्चों हमने एक टेस्ट डिजाइन किया दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट नाउ व्हाट इज दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है कि आप वर्टिकल लाइंस बनाओ जैसे कि लेट्स सपोज हमने यहां पे बना दिया एक वर्टिकल लाइन ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही है ठीक है दो पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल टू अल्फा पे वी आर गेटिंग टू आंसर राइट हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं x इक्वल टू अल्फा पे एक ये और एक ये दिस इज y1 वन एंड दिस इज y2 टू ओके दिस इज y1 वन एंड दिस इज y2 टू तो सेम इनपुट पे यू आर गेटिंग मल्टीपल आउटपुट सेम इनपुट पे यू आर गेटिंग मल्टीपल आउटपुट तो जब भी ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ये ये फंक्शनल नहीं है रिलेशनल है ठीक है ऑलवेज कुछ भी आपको रिलेशन दिया हुआ रिलेशन तो वो होता ही है फंक्शन है या नहीं मेन हमें इस चीज को कैटेगराइज करना था तो एक रूल बना लिया हमने लॉजिक डेवलप कर लिया फॉर दी वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड व्हाट इज दैट लॉजिक व्हाट इज दैट लॉजिक बच्चों कि हम क्या करेंगे पूरे ग्राफ में वर्टिकल लाइंस बना देंगे पूरे ग्राफ में अगर उनमें से कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी उसका मतलब हो जाएगा कि एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स मिल रही हैं, सो so, वो फंक्शन नहीं रहेगा ओके okay बच्चों तो आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल लिए आपके सामने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सिक्सटीन एक्सक्वेर प्लस वाई स्क्वल टू सिक्सटीन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो विल हैव सर्कल विल है सर्कल ऑफ रेडियस फोर यूनिट्स तो यह आपने ग्राफ्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो एक्सक्वेर प्लस वाई स्क्वल टू सिक्सटीन का कुछ ऐसा ग्राफ हमारे पास बन जाता है राइट right? तो so, अगर इसके ग्राफ में भी आप वर्टिकल लाइंस प्लॉट करोगे तो यू कैन सी दैट कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो वी कैन से दैट अगेन दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ फंक्शन बट दिस इज अ रिलेशन कोई भी मैपिंग रिलेशन तो होती ही है फंक्शन हो भी सकती है फंक्शन नहीं भी हो सकती कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो बच्चों y इक्वल टू मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉडेक्स ट्राई करो खुद से ट्राई करो दिस थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है खुद से ट्राई करो आप वाईक्वल टू मॉडेक्स तो फर्स्टली ड्रॉ इट्स ग्राफ राइट y इक्वल टू मॉडेक्स का सबसे पहले बच्चों ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो कैसे बनेगा ग्राफ वी शेप्ड ग्राफ बनता है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अदरवाइज हम आगे के लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे भी तो y इक्वल टू मॉड एक्स ऐसा ग्राफ बनता है इजीज ऑफ फंक्शन और नॉट तो अगर आप वर्टिकल लाइंस बना लो जितनी भी जितनी वर्टिकल लाइंस बनानी है बना लो ठीक है तो इन सब वर्टिकल लाइंस में आप देख सकते हो सारी की सारी वर्टिकल लाइंस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है सारी की सारी वर्टिकल लाइंस सो वी कैन से दैट दिस इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एक इनपुट पे एक ही आउटपुट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों तो आप सबका सही आएगा आपको पता चल गया होगा कि ये कैसी इक्वेशन आने वाली है कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था तो बताओ एक्स स्क्र बाई नाइन प्लस वाई बाय सिक्सटीन इक्वल टू वन क्या बनने वाला है ये एलिप्स बनने जाएगा? दिस विल बी एलिप्स राइट तो इस वर्टिकल एलिप्स को अगर हम देखें ध्यान से क्या यह फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा बताओ बच्चों क्या यह फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा तो यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्यों क्योंकि अगर हम देखें वर्टिकल लाइन बनाई हमने वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को टू पॉइंट्स पे कट कर गई तो अगर हमने देखा था कि एक इनपुट पे हमें तो एक ही आंसर मिलना चाहिए बट यहां तो एक इनपुट पे मल्टीपल आंसर्स मिल गए सो दिस कैन नॉट बी ग्राफ ऑफ अ दिस कैन नॉट बी ग्राफ ऑफ अ फंक्शन सो दिस इज जस्ट अ रिलेशन तो बच्चों आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है फंक्शन तब बोलते हैं जब हर इनपुट पे आंसर आए और एक आंसर आए हर इनपुट पे एक इनपुट पे एक आउटपुट आए ठीक है इन अदर केसेस इट इज अ रिलेशन ओके तो एक एग्जांपल लेते हैं इस ए और बी सेट को समझने के लिए अभी हमें यह तो समझ में आ गया कि फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता और जब कोई चीज़ फंक्शन नहीं होती देन वॉट डू वी कॉल इट वी कॉल इट अ रिलेशन ओके तो फंक्शन है हमारे पास ए सेट टू बी सेट एक फंक्शन है और उस फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स तो इस फंक्शन को एनालाइज करके हमें फंक्शन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है दैट इज डोमेन रेंज एंड कोडमेन. इनको समझने की कोशिश करनी है सो so, बच्चों आप देख सकते हो इस फंक्शन में दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी व्हाट इज सेट ए सेट ए आपके पास इनपुट का सेट है व्हाट सेट सेट बी बी में से कुछ आउटपुट मिल सकती हैं ये क्वेश्चन में डिफाइंड है कि सेट ए क्या है और सेट बी क्या है यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट और फंक्शन की डेफिनेशन भी गिवन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स तो बच्चों जब हम इसमें इनपुट करेंगे वन हमें ये टू आंसर देगा जब हम इसमें इनपुट करेंगे टू ये हमें आंसर देगा फोर जब हम इसमें इनपुट करेंगे थ्री तो हमें ये आंसर देगा सिक्स आप देख सकते हो जो आपका इनपुट सेट है दैट इज़ ओनली वन टू थ्री तो आप वन टू थ्री के अलावा कोई भी इनपुट इसमें नहीं कर सकते वन टू थ्री में से ही आपको कुछ इनपुट करनी पड़ेगी और आपने वन टू एंड थ्री इनपुट करके देखा आपके आंसर क्या आ गए वन का आंसर टू आया टू का फोर आया थ्री का सिक्स आया तो जो हमारा ए सेट होता है जो हम इनपुट करते हैं बच्चों जो हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इनपुट होती हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेन क्या बोलते हैं डोमेन ओके इनपुट के सेट को हम क्या बोलते हैं डोमेन और ये हमारा जो बी सेट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें से कुछ आंसर आएगा इसमें से कुछ आंसर आएगा एंड वी कॉल दिस सेट बी एज हम इस बी सेट को बोलते हैं कोडमेन तो कोडमेन जो है वो क्वेश्चन में गिवन होती है कोडमेन हैज टू बी गिवन इन दी क्वेश्चन ठीक है और डोमेन क्या था जो हम इनपुट कर रहे हैं ओके okay? कोडमेन वो बी सेट है जो क्वेश्चन में गिवन है और जो एक्चुअली आंसर आए जो एक्चुअली आंसर आए वो क्या होती है रेंज जैसे कि इसमें रेंज क्या है हमारे पास टू फोर एंड सिक्स टू फोर एंड सिक्स वो टू फोर और सिक्स क्या है वो एलिमेंट्स जो एक्चुअल में आंसर आ रहे हैं कोड इन क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज दिस इज में राइट एंड दिस इज ए सेट इज डोमेन तो ये बच्चों बेसिक है कि व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज को तो इन तीनों का बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा बच्चों इस बेसिक्स एग्जाम्पल के साथ कि क्वेश्चन में ये डोमेन गिवन होती है कोडोमेन भी बी गिवन होती है एंड रेंज आपको फाइंड करके खुद बताना होता है कि क्या क्या आंसर्स आपको मिल सकते हैं तो बच्चों इस चीज को ये जो हमने एक लिटिल वे में कॉन्सेप्ट पढ़ा डोमेन रेंज एंड को डोमेन का इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो बच्चों टू कंटिन्यू दी ऑसम लर्निंग एंड गेट ऑल दी अपडेट्स फ्रॉम एडवाटिक्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन टू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल एडवाटिक्स थैंक यू